हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आखिर YouTube पर भाई छोटे चैनल्स को कब प्रमोट करता है। जैसे कि दोस्तों आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर है या 200 सब्सक्राइबर है, तो दोस्तों आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में शेयर करके या दोस्तों किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज किया है। यानी कि दोस्तों आपने किसी को बताया कि मेरे इस चैनल को मैंने ओपन किया है, इस पर मैं वीडियोज बनाता हूँ और मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो वीडियोज काफी इन्फॉर्मेटिव होता है, या दोस्तों मैं रील्स वीडियो बनाता हूँ या किसी भी गाने पर रिएक्शन देता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके का जो यूट्यूब का जर्नी होता है दोस्तों, 100 सब्सक्राइबर से लेकर 200 सब्सक्राइबर, तो ये सारी चीजें ना भाई खुद से कम्प्लीट करते हैं जो भी यूट्यूबर्स होते हैं। लेकिन दोस्तों असली चैनल को बूस्ट कब मिलता है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेरे चैनल को भाई बूस्ट कब मिला था, जो कि मेरे चैनल पर जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है जिस पर भाई 1.5 लाख व्यूज गया, 20,000 गया, रिसेंटली एक हफ्ता में 250,000 गया, 75,000 गया, इस तरीके के व्यूज गया। तो एक चैनल को कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है कि भाई उस चैनल पर यूट्यूब अगर आप कंटिन्यूस वर्क करते हो तो उस चैनल को यूट्यूब खुद से बूस्ट करता है। दोस्तों आपको उस पर अगर आप चाहते हो कि भाई आप सही से भाई सारा चीज़ें डालते हो, टैग डालते हो, टाइटल डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, एंड दोस्तों आपका बेस्ट थंबनेल होता है, तो आपका चैनल का वीडियोज को बूस्ट किया जाता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर कंटिन्यूस मेहनत करते हो तो कभी ना कभी आपका चैनल पर वीडियो जो है बूस्ट करता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कि आपको भाई ध्यान में रखना होता है यूट्यूब पर काम करते वक्त। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने 3 से 4 ऐसे टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपके भी चैनल पर 100 से लेकर 200 सब्सक्राइबर है और भाई आपके माइंड में एक डाउट आ रहा है कि यूट्यूब चैनल हमारे चैनल को कब बूस्ट करेगा, तो ये 5 बातों का आपको इस वीडियो में याद करना होगा। ये 5 टॉपिक पर दोस्तों आपको सुधार करना होगा। अगर इन 5 बातों को अपने भाई दिए गए इन 5 बातों पर आप सुधार कर लेते हैं तो भाई आपका चैनल पर भाई एक वीडियो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर दोस्तों वायरल हो जाएगा। तो इन 5 बातों कौन कौन से है, चलिए इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से कंटेंट आपके साथ लाता रहूं। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर आप जब भी अपने वीडियोस को बनाते हो या दोस्तों अपने चैनल को क्रिएट करते हो, तो सबसे पहला मिस्टेक कि आप दोस्तों अपने चैनल पर भाई किसी को मत बताइए कि मैंने चैनल्स को ओपन किया है और भाई ओपन करने के बाद इस चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ये चीज़ें दोस्तों आपको सबसे पहला ध्यान देना है। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे नंबर 2 आपको करना क्या है कि दोस्तों आप जितने भी सब्सक्राइबर को इंक्रीज किए हो, आपने गलती से जितने भी सब्सक्राइबर को बोलो हो कि भाई मेरा दोस्त ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये मैंने चैनल का मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो ये बोलना दोस्तों आपसे आप बंद करो। अगर आपके चैनल पर 200 सब्सक्राइबर या 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो अब दोस्तों आप ये करना बंद करो कि भाई जाके सब्सक्राइब करो, ये चीज़ें मत करो। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आप दोस्तों किसी को सब्सक्राइब करवाते हो तो इससे आपके चैनल पर साइड इफेक्ट्स पड़ेगा कि अगर कोई बंदा आपका वीडियोज का नोटिफिकेशन जाता है या कोई आपके दोस्त के पास नोटिफिकेशन जाता है तो बदले आपके वीडियोज को फुल वॉच टाइम करने के बदले आपके वीडियो पर बस क्लिक करके छोड़ देता है, आपका वीडियो का जो इम्प्रेशन होता है, बूस्टअप होता है, उसे रोक देता है। तो भाई ऐसे सब्सक्राइबर के क्या मतलब जो आपका वीडियोज को ना देखे और भाई आपका वीडियोज पर जो भी व्यूज आ रहा है उसे यहाँ पे रोक देवे, तो इस गलती को नहीं करना है। नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब भी अपने यूट्यूब चैनल को बनाते हो तो भाई बनाने के बाद आप अपने चैनल पर कंटिन्यूस वीडियोज को अपलोड कीजिए। नंबर 4 दोस्तों, आप जब भी अपने चैनल पर वीडियोज को अपलोड करते हैं तो भाई अपलोड करने के बाद आपको एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मेरा चैनल का जो टाइमिंग है, मैं अपनी वीडियोस को 11 बजे पब्लिश करता हूँ या दोस्तों शाम के 5 बजे पब्लिश करता हूँ, तो इसके बीच जितने भी मेरे ऑडियंस है वो सारे के सारे लोगों को पता होगा कि मैं अपने वीडियोस को भाई शाम को 3 बजे या 5 बजे अपलोड करता हूँ और मॉर्निंग में दोस्तों मैं 10 से 11 बजे में अपलोड करता हूँ, तो उस टाइम मेरा ऑडियंस एक्टिव रहता है और हमारे वीडियोज को देख लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का गलती क्या होता है कि जब भी आप वीडियोज को अपलोड करते हो तो अपलोड करने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियोस को बूस्टअप नहीं देते हो। भाई बूस्टअप किस तरीके से देना है, जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पे नए वीडियोस को अपलोड किया और अपलोड करने के बाद आप किसी भी घर में किसी का फोन होगा, उस फोन से भाई जब भी अपने वीडियोस को अपलोड करते हो उस फोन से अपने वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। अगर आप दोस्तों इस तरीका से अगर आपने खुद का वीडियो है स्टार्टिंग में आपको बूस्टअप नहीं मिल रहा है तो आप दोस्तों एक दूसरे का मोबाइल मांग के या दोस्तों किसी से मोबाइल मांग के अपने वीडियोस को जब भी आप अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद दोस्तों 10 से 15 मोबाइल से आपको देख लेना है। अब भाई देखने के बाद आपको फुल वॉच करना है। दोस्तों वॉच करने के बाद होगा क्या कि यूट्यूब को लगेगा कि हमारा वीडियो भाई इसका वीडियो चलने वाला है, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा और उस वीडियो को बूस्ट करने का कोशिश करेगा। और दोस्तों उसी प्रकार से अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका ब्राउज फीचर से या दोस्तों यूट्यूब सर्च से अगर ऑटोमेटिक 40 व्यूज आ जाता है तो आपका वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीका से दोस्तों अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो
तो आपका जो फर्स्ट आपके चैनल का बूस्टअप है वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो थंबनेल इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे टाइटल इंपॉर्टेंट होता है, टैग होता है, तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन इन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दोस्तों आप कंटिन्यूस वीडियो डाल रहे हो और वीडियो डालने से यूट्यूब के नज़र में आ जाता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो उस टाइम आपके वीडियोस को बूस्ट कर देता है और आपके वीडियो को वायरल कर देता है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, थंबनेल एकदम घटिया है, टाइटल एकदम घटिया है, फिर भी उस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों 5 टिप्स जिसको आपको फॉलो करना होगा आपके वीडियोस को बूस्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।